हर साइट को ट्विटर कंपियन का घुट्टी पिला दिया, हर साइट को ट्विटर कंपियन का घुट्टी पिला दिया, जितने भी शिक्षक थे उन सभी को आपस में मिला दिया, क्या बताऊं जनाब, आप लोग ने तो पूरा सरकार को हिला दिया। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे, और मैं हूं मुकेश सर। मान गए आप सभी लोग को कि आप लोग में भी वो ताकत है जो ताकत को किसी और ताकत के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। आप लोग ने सरकार को हिलाया ही नहीं बल्कि दौड़ा दिया आप लोग ने। आप लोग को मानना पड़ेगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं और शिक्षक हैं उन सभी को मेरा दिल से सलाम। मेरे साथियों, हम लोग को अभी यहीं पे रुकना नहीं है, अभी हम लोग का जो मुहिम है ये जारी रहेगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मेरा जो मांग है वो 100% पूरा नहीं हो जाए। अभी सिर्फ संभावना देने से कोई काम नहीं चलेगा, बस एक दिन के अंदर सरकार के कान में आदमी इतना हुर दिया, हम लोगों ने इतना हुर दिया पूरा युवा मिल के, तो तत्काल में देखिए आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सोच सकते हैं कि एक दिन में हम लोग में वो ताकत है जो सरकार को हिलाया नहीं बल्कि दौड़ा दिया हम लोगों ने। मेरे साथियों, नोटिफिकेशन आया है, इतना ही से हम लोग को खुश होना नहीं है, बशर्ते हम लोग को पूरा मांग पूरा होना चाहिए। एक सिस्टम के तहत कब वैकेंसी साल में कितना आएगा, कब आएगा, कब उसका एग्जाम होगा, कब उसका ज्वाइनिंग होगा, इन सारे प्रक्रिया को एक सिस्टम के तहत हम लोग को ये बताना होगा उसको कि हाँ ये सब कब होगा, कैसे होगा। जैसे चुनाव एक तरह से आपको पता है कि सारा चीज पहले से प्लानिंग उसमें सेट रहता है कि इतना तारीख का चुनाव होगा, इतना तारीख का उसका क्या करते हैं काउंटिंग होगा, उसके बाद इतना तारीख को शपथ होगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक सिस्टम होना चाहिए। अगर देखिए एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो एसएससी वाला स्टूडेंट चुप हो जाएगा, नहीं अभी चुप नहीं होना है। अभी इससे क्या होगा, बस नोटिफिकेशन, इसको कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम लेगा कि नहीं। एक पूरा सिस्टम के तहत हर एक चीज को, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे तो रेलवे हो, या कोई भी सेक्टर हो, हर एक का एक सिस्टम चाहिए ताकि हम लोग को आगे चल के किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। जो स्टूडेंट सपना लेकर पढ़ता है कि हम भी एक प्रकार से मेहनत करके दिन रात पढ़ के और जॉब लेंगे, माता पिता का एक बहुत बड़ा आशा होता है, एक एक रुपया मजदूरी करके इधर उधर से मांग के और अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है, आप उसका दर्द को नहीं समझ सकते हैं। सरकार इस दर्द को कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए हम लोग को ये पूरा पूरा मांग को ये क्लियर करना होगा कि जो जिस तरह से और जिस तरह से चुनाव का जो मुद्दा है हर एक चीज को समय पे किया जाता है, हम लोग को बस इतना ही मांग है कि हर एक चीज को समय पे लिया जाए। सीट कम कर दिया, वैकेंसी कम कर दिया, वो भी हम लोगों ने माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम को चार चार साल 5 5 साल में क्लियर कराइए। आप देख लीजिए बीएसएससी का बात कर लीजिए, बिहार एसएससी का 14 में फॉर्म भरा अभी तक, सिर्फ उसका पीटी का एग्जाम हुआ 17 में और 20 खत्म होने वाला है, कोई अभी तक उसका अता पता नहीं कि क्या होने वाला है। बस चुनाव के वक्त वैकेंसी आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ये तय करेंगे कि वैकेंसी हर साल आना चाहिए, इस प्रकार से एक सिस्टम से उसी पे मुहर लगाइए कि हाँ वैकेंसी जो हर साल आना चाहिए। नोटिफिकेशन आप देख ही रहे होंगे एसएससी एमटीएस का 31 यानी 31 अक्टूबर 20 को आएगा रिजल्ट, एसएससी जेई का 21 सितंबर का रिजल्ट आएगा 2020 को, और एसएससी सीजीएल का 4 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर का रिजल्ट आएगा। और एक बात और मैं आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, सभी शिक्षक एवं छात्रों को दिल से सलाम। और खास करके इस मुहिम में हर एक वो छात्र जो इस मुहिम में साथ दिए, उन सभी छात्रों को मेरा दिल से सलाम करता हूँ। मेरे साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, मन की बात तो आप लोग सुने ही होंगे। देखिए ये मन की बात है, मन की बात में डिसलाइक जो है वो लाइक से 7 गुना ज्यादा हुआ है। इतना ही से आप समझ सकते हैं कि सरकार से कितना युवा खुश है। मेरे साथियों,
इस पे बीजेपी का सोशल मीडिया प्रभारी को कहना यह है कि ये जो डिसलाइक मिला है वो इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 2% मिला है और बाकी 98% जो है ये तुर्की से खरीदा गया है, ये कहना उसको है। ये कहते हुए उसको शर्म नहीं आ रहा है कि हम ये क्या बात बोल रहे हैं। उसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इतना बद्दुआ जो युवा के ले रहे हैं उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मन की बात करते हैं, करना चाहिए रोजगार की बात तो कर रहे हैं, मन की बात मेरे साथियों रोजगार की बात हमें करना चाहिए कि रोजगार कितना दे रहे हैं, कब रोजगार सारा युवा को बेरोजगारी कब खत्म होगा, क्योंकि हर एक युवा लगभग जो बेरोजगार है वो यही मांग कर रहा है कि हमें रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए, और रोजगार के नाम पे कभी कभी इंटरव्यू में पकौड़ा तलने के लिए बोलता है, कभी कहता है खिलौना बनाइए। ये क्या सिस्टम है? अरे एक सिस्टम के तहत जो वैकेंसी निकाला है उसको पूरा नहीं कर रहा है। 2018 में जो उसका एग्जाम हुआ है उसका 20 तक अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ये सिस्टम बना के रख दिया है और कोई भी किसी भी तरह से हम लोग मांग करते हैं तो उसको विपक्ष का मुद्दा बना दिया जाता है। ये कहां का नियम है कि कांग्रेस ऐसे करवा रहा है? कांग्रेस से हमको क्या मतलब है? आप सरकार में बैठे हुए हम आपसे मांग करेंगे, हमको किसी प्रकार से दिक्कत है तो हम आपसे मांग करेंगे, विपक्ष से हमको क्या है? आप दीजिए तो आपका सपोर्ट करेंगे हम, हमें विपक्ष बनने का क्या जरूरत है? बस मेरा मांग को पूरा कर दीजिए। जैसे एक सिस्टम के तहत जिस तरह से चुनाव आप लड़वाते हैं हर एक तरह का टाइम पे होना चाहिए, उस तरह से टाइम पे वैकेंसी आप दीजिए, टाइम पे उसका एग्जाम लीजिए, टाइम पे आप ज्वाइनिंग लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और करते भी थे सपोर्ट। इस बार जो युवा सपोर्ट करता था भी वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसका भी डिसलाइक इसमें शामिल है। मेरे साथियों इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, स्टूडेंट के साथ दुर्नीति किया जा रहा है, सभी चीजों को बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। अगर रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि बिहार खास करके हम लोग युवा वर्ग जो है, और ये बिहार का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो रेलवे में जाता है। रेलवे हम लोग को रोजी रोटी है, वो हम लोग का सपना है, और उसी को बेच दीजिएगा तो मेरा सपना टूट जाए, क्या करेंगे? तो मेरे साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को अभी नहीं रुकना है, इसको एकदम लगातार जारी रखना है। और आप लोग ने इतना इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, सभी टीचर के वीडियो को वायरल किया, सब शिक्षक और सारा स्टूडेंट ने मिलकर इस चीज को ट्विटर कैंपेन को स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट को नंबर 1 पे ट्रेंड करवाया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी प्रकार से इस मुहिम में आप लोग साथ देते रहिए और खास करके हर एक स्टूडेंट को जो अपना बहुमूल्य समय देकर अपना हक के लिए जो आप ट्विटर पे कैंपेन में शामिल हुए हैं और किए हैं उन सभी को मेरा दिल से सलाम है। तो साथियों आज तक इतना ही, मैं फिर किसी और अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।